पिक्चर के बारे में तो क्या बोलना, पिक्चर तो बहुत बढ़िया है। बहुत टाइम के बाद ऐसी एक्शन पिक्चर देखने का मजा आया। बोले तो स्टोरी जो बनाए ना अभी सबसे अलग बनाई उसने, उसमें जो टेक्नोलॉजी दिखाई अभी इंडिया वाला ने यही बनाई ना, फिर पाकिस्तान और चाइना वाले की वाट लग जाएगी। अक्षय कुमार ने कॉपी करने की कोशिश की है उसको, टाइगर को, डांस में, फाइट में, लेकिन नहीं वो बात नहीं बन पाई। ठीक है, इतनी खास एक्शन बहुत है, स्टोरी कुछ नहीं है, खाली एक्शन ही है बस। जब वो उसने कहा बोलते अपना हीरोपंती 2 निकाला था तो उसमें पूरा गिर चुका था, अभी जाके उसने बहुत अच्छा करके दिखाया है। तो कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 3.5। 5 में से 5 देना चाहता हूँ लेकिन अक्षय कुमार की वजह से 4 दे रहा हूँ। में से 3, मतलब फेस्टिवल है तो देख लेना चाहिए एक बार। तो 2.5-3। 5 out of 5 3.5 दूंगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं वर्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं बाजुका रिव्यूज। तो फाइनली फैंस को जिस बात का इंतजार था वो आज हो चुका है। जी हां, 11 अप्रैल यानी ईद के मौके पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। वेल, क्या कुछ है इनके फैंस का रिस्पॉन्स, चलिए जानते हैं। अच्छी मूवी है। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, या डेफिनेटली वो इज अ बहुत वंडरफुल एक्टर्स। बड़े मियां छोटे मियां बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा की फिल्म, एक नंबर बहुत अच्छा है। दो ही थे सॉन्ग्स थे एंड विलियन इज आल्सो गुड। ठीक है, इतने खास एक्शन बहुत है, पूरा एक्शन दिखाया, कुछ स्टोरी बताया नहीं ऐसा। बड़े मियां छोटे मियां था अमिताभ गोविंदा का, स्टोरी कुछ नहीं है, खाली एक्शन ही है बस। जब वो उसने कहा बोलते अपना हीरोपंती 2 निकाला था तो उसमें पूरा गिर चुका था, अभी जाके उसने बहुत अच्छा करके दिखाया है। सर कैसी लगी? बहुत अच्छी। रियलाइज नहीं हुआ था कि भी बॉलीवुड अभी थोड़ा उठेगा। ये मूवी देख के अच्छे ऐसे ही बॉलीवुड ने करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था कि घर से मैं आया था ना, मुझे लगा था फिर वही बोरिंग लगाएंगे वही, पर अभी देखा ना टेक्नोलॉजी वगैरह और ये सबसे सुनने में अच्छी थी। स्टोरी जो बनाए ना अभी सबसे अलग बनाई उसने, उसमें कुछ नया नया ऐसे ही वो बनाएंगे ना, फिर उसमें जो टेक्नोलॉजी दिखाई अभी इंडिया वाला ने यही बनाई ना, फिर पाकिस्तान और चाइना वाले की वाट लग जाएगी। नंबर पिक्चर है, एक्शन इतना अच्छा है, टाइगर श्रॉफ का काम मेरे को सबसे अच्छा लगा। अक्षय कुमार ने कॉपी करने की कोशिश की है उसको, टाइगर को, डांस में, फाइट में, लेकिन नहीं वो बात नहीं बन पाई। और सोनाक्षी तो काम नहीं करना चाहिए, बुढ़ी लग रही थी इसमें, और क्या नाम उसको, नृपा राय या राखी लग रही थी। बाकी स्टोरी बहुत अच्छी है, विलन का काम बहुत अच्छा है, उनके साथ जो लड़कियाँ थी ना वो दो, उनका तो बहुत बढ़िया अच्छा फाइट एक्शन, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी पिक्चर बनी है। मेरे को ऐसा लग रहा है भी बॉलीवुड भी अभी फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी पिक्चरें बना सकता है। मतलब फिल्म ओके, मैं तो वन टाइम वॉच ही बोलूँगा फिल्म को, क्योंकि डायलॉग्स इस फिल्म में इतने अच्छे हैं नहीं, और स्टोरी भी कॉमन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गई, मतलब पैट्रियोटिज्म से पूरी भरी हुई है फिल्म। मुझे इसमें पैट्रियोटिज्म बहुत अच्छा लगा, जो हिंदुस्तान है हम, जो डायलॉग है वो बहुत बढ़िया लगा, और काफ़ी स्टोरी तो थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी, इंडिया पाकिस्तान चाइना वो हमने पठान में भी देखी, सब गदर में भी देखी, तो वो थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लगी। वेरी नाइस, वेरी एक्सलेंट, स्पेशली एक्शन वेरी एक्सलेंट, एंड टाइगर एंड अक्षय इज कॉमेडी केमिस्ट्री वेरी नाइस मूवी, एक्शन लवर्स स्पेशली कम टू मूवी एंड वाचिंग। पिक्चर के बारे में तो क्या बोलना, पिक्चर तो बहुत बढ़िया है, बहुत टाइम के बाद ऐसी एक्शन पिक्चर देखने का मजा आया। बोले तो और अब ये पिक्चर फूल मचाने वाली है, अब देखना वो पिक्चर को, बहुत ही मजा आ गया, सबको जाना चाहिए देखने। द रियल एक्शन हीरो इज बैक, द ओजी खिलाड़ी कुमार एंड अ रियल एक्शन सुपरस्टार, गुड एंटरटेनर, ऑडियंस विल एंजॉय द फिल्म। टाइगर और अक्षय ने मतलब फाड़ दिया, अक्षय और हीरोइंस, नॉर्मली ऐसे फिल्म में हीरोइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता नहीं है, बट आई वुड से कि तीनों हीरोइंस को एक अच्छा रोल मिला। फिल्म की स्क्रिप्टिंग डायरेक्टिंग कैसी लगी? नहीं, ये शोल्डर की पर मूवी होती रहती है और मेरे ख्याल से वन टाइम मूवी है ज़्यादा। डायरेक्शन, म्यूजिक सब बराबर, अली अब्बास सर ने जो इस सबसे डायरेक्शन किया है उन्होंने वो बहुत अच्छा है, और ये मूवी देख के हमको हमारे इंडियन आर्मी पे भी बहुत प्राउड हो रहा है। भारत माता की जय। टाइटल ट्रैक तो ठीक ही था, मस्त मलंग सॉन्ग बहुत सही था आई वुड से, एंड डायरेक्शन वाइज दोनों को प्रेजेंट अच्छे से किया, अक्षय एंड टाइगर जो मेन हीरो है दोनों फिल्म के। तो मूवी में एक्शन है, कॉमेडी आफ्टर लॉन्ग टाइम कॉमेडी, वरना नॉर्मली वॉयलेंट फिल्म्स बहुत टाइम से निकली थी, तो इसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा थोड़ा, तो एक अच्छा है फिल्म, मज़ा आएगा।
क्या अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के बारे में? दोनों का सीन बहुत अच्छा लगा, पर अक्षय और इसकी जोड़ी अच्छी लगी, टाइगर की जोड़ी। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के बारे में क्या? उसका एक्शन एक्शन सुना अच्छा था, पर 140 रुपया फुल वसूल। हम लोग ये पिक्चर का ही वेट कर रहे थे कि ऐसे पिक्चर में काम करे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। उसका जो डायलॉग डिलीवरी, वो जो डायलॉग डिलीवरी में जो हेवी टोन है ना, वो एकदम सही था। और जो इमो जो है उस तो अलग अलग वैरायटी है उसके, वो उसके भी एक एंगल है पृथ्वीराज के रोल के पीछे, तो वो मतलब मजा आ गया आएगा पृथ्वीराज के रोल में। म्यूजिक वगैरह कैसे लगे? म्यूजिक का एक गाना अच्छा है अक्षय का और इसका टाइगर का जो गाना अच्छा करे, बाकी पिक्चर में इतना दम नहीं है। म्यूजिक ओके ओके, मतलब मैं ना अच्छा बोलूंगा ना बुरा बोलूंगा म्यूजिक को, म्यूजिक अच्छा है। म्यूजिक भी टॉप लेवल है, बीजीएम तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, एक्शन तो टॉप लेवल का ही। सोनाक्षी सिन्हा का किरदार कैसा? कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं उसका, खाली बिठा के रखा है, कुछ काम नहीं है। वो तो बहुत आर्ट के थी, मतलब वो क्या था ना, वो उसका दिमाग वो इसमें डाला हुआ था, वो उसका बहुत अच्छा लगा, मतलब वो कवर का कोड था वो। हाँ उनका रोल अच्छा था, एक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने इस बार शायद, और गाने भी ठीक ठीक है इस फिल्म में। सोनाक्षी सिन्हा का किरदार कैसा लगा? मतलब वो तो सरप्राइज था, मतलब वो मालूम नहीं था मुझे भी है फिल्म में, तो अच्छा लगा, उनका भी अच्छा था रोल जितना भी था। तो आई वुड से और सबका परफॉर्मेंस अच्छा, बीर रोनित रॉय डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, बट बेस्ट तो पृथ्वीराज सुकुमार, मतलब ड्रामा पार्ट उसका था तो इम्पैक्टफुल रोल था उसका, तो उसने सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। तो कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 3.5 3 5 में से 2.5 देगा वो तो पता नहीं, 10 5 में से 5 देना चाहता हूँ लेकिन अक्षय कुमार की वजह से 4 दे रहा हूँ। 5 में से 3, मतलब फेस्टिवल है तो देख लेना चाहिए एक बार तो। 2.5 3 5 out of 5 3.5 दूंगा। वेल फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर फैंस ने तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस लगा है। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना हमें ना भूले। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए बाज़ूका रिव्यूज़ के साथ।